पिछले लेक्चर्स में हमने लिक्विड और सॉलिड के बारे में कुछ पढ़ा था कि लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, वैपरेशन, वेपर प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर का इफ़ेक्ट, और फिर हमने पढ़ा था लिक्विड क्रिस्टल्स और टाइप्स ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अभी हम कुछ MCQs का जायज़ा लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इज़ मुख्तलिफ बॉइलिंग पॉइंट है, मैं यहाँ पे ऑप्शन चेंज करता जाऊँगा तो आपको बताना होगा कि कौन सा बॉइलिंग पॉइंट दुरुस्त है। अगर मैं कहूँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन इज़, तो ऑप्शन कौन सा होगा आपके ख्याल में? एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट इज 78.5 सेंटीग्रेड, 76.5 सेंटीग्रेड, 56 सेंटीग्रेड, 118 सेंटीग्रेड। तो यकीनन आपको पता होना चाहिए 56 सेंटीग्रेड एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट होता है, अगर आपका ऑप्शन एसीटोन है। अगर इस खाली जगह में आपको वो कहता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथानॉल, तो यकीनन आपका आंसर फिर होगा 78.5। ठीक है, इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78.534, यानी 78.345, लिटरेचर में ज़्यादातर 78.5 है। इस तरह अगर आपसे पूछा जाता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो यकीनन आपका बीटा ऑप्शन आएगा 76.5। ठीक है, इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट यकीनन 118 है। और मैं यहाँ पे अगर आपसे पूछ लूँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉर्मिक एसिड, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन दुरुस्त नहीं है, मुझे एक ई ऑप्शन क्रिएट करना पड़ेगा और वो होगा 100 सेंटीग्रेड। एक और सब्सटेंस है, एक और लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 सेंटीग्रेड है, आपको याद होना चाहिए, वाटर और फॉर्मिक एसिड बोथ हैव 100 सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट। If large amount of heat is supplied the boiling point, क्या होगा boiling point को? आप बहुत तेज़ heat कर रहे हैं तो boiling point increase कर जाएगा, decrease कर जाएगा, या same ही रहेगा, या दोनों increase भी कर सकता है, decrease भी कर सकता है। Basically boiling point तो वो point है जब vapor का external pressure, internal pressure या vapor pressure of a liquid become equal to external pressure। तो यकीनन अगर आप लार्ज अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे तो ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, बल्कि बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट रहता है। हाँ, आप तेज़ी से हीट करते हो तो अटेनमेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कंपैरेटिवली जल्दी हो जाएगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजन डाउन द ग्रुप क्या होता है? आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके हैलोजन्स हैं, ग्रुप 7 एलिमेंट, हैलो मीन साल्ट, जैन मीन प्रोड्यूसर, साल्ट प्रोड्यूसर्स। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजन डाउन द ग्रुप क्या होता है? डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, या सेम रहता है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। इनफैक्ट आपको पता है एटॉमिक साइज का चक्कर है यहाँ पे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप बड़ा होता है जैसे जैसे, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में डिस्टर्बेंस भी ज़्यादा होती जाती है। जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगी तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी। आपको पता है पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाए तो फिर क्या होता है, लंडन फोर्सेज ज़्यादा हो जाती हैं, और लंडन फोर्सेज बढ़ जाएँ तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, आप अगर यहाँ पर देखें तो एटॉमिक साइज बड़ा हो रहा है, एटॉमिक साइज के बढ़ने से पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी क्या है, डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ये बढ़ जाएगी। जब पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो लंडन फोर्सेस बढ़ जाएंगी। ठीक है, और जब लंडन फोर्सेस बढ़ जाएंगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो डाउन द ग्रुप इसका मतलब है हैलोजन्स में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है ड्यू टू इंक्रीज इन लंडन फोर्सेस ओइंग टू देयर साइज, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। ग्लाइसरीन इज डिस्टिल्ड अंडर रिड्यूस प्रेशर, क्यों, वाई ग्लाइसरीन इज डिस्टिल्ड अंडर रिड्यूस प्रेशर? के ताकि हम टाइम बचा सकें, या फ्यूल बचा सकें, या इसकी डिकम्पोजिशन को अवॉइड हम कर सकें,
या ऑल ऑफ दिस। बेसिकली ये तीनों काम होते हैं। आप जब 760 की बजाय 50 टॉर पे डिस्टल करेंगे ग्लैसरीन को, तो वो 290 या 310 सेंटीग्रेड उसका बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है मुख्तलिफ़ लिटरेचर में। और अगर आप 50 टॉर पे उसको करते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ और सिर्फ 200 सेंटीग्रेड के करीब या 210 सेंटीग्रेड के करीब रह जाता है। इस सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, चूँकि ये काफ़ी हाई है, इस पे ग्लैसरीन जो है वो डीकम्पोज कर जाएगा, तो इस पे डीकम्पोज नहीं करेगा, फ्यूल भी बचता है और टाइम भी बचता है। तो ये ऑल ऑफ दीज है, बेसिकली दीज आर ऑल द यूजेस ऑफ वैक्यूम डिस्टिलेटर। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ वैक्यूम डिस्टिलेशन, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर के क्या एडवांटेजेस हैं? टाइम सेव करता है, फ्यूल सेव करता है और डीकम्पोजिशन भी अवॉइड होती है, जो कि हमारा मेन मकसद होता है। विच सॉलिड्स आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अमॉर्फस सॉलिड्स, विट्रस सॉलिड्स या मेटालिक सॉलिड्स? कौन से सॉलिड्स होते हैं जी? यकीनन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं दे आर द ट्रू फॉर्म ऑफ सॉलिड्स, सो दे आर नेम्ड एज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है जी, ट्रू सॉलिड्स कौन से हैं? ट्रू सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम ट्रू सॉलिड्स का नाम देते हैं। सॉलिड में कंटेन एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। हाँ जी, क्या ऑप्शन आएगा? तीनों हो सकते हैं जी। किसी भी सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उसमें एटम भी हो सकते हैं, एटॉमिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है, तो उसके अंदर आयंस हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं, और मॉलिकुलर सॉलिड है तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्यूडो सॉलिड? कौन सा है जी ऑप्शन स्यूडो सॉलिड का? ट्रू सॉलिड नहीं है जो। NaCl ये तो क्रिस्टलाइन है, ट्रू है। प्लास्टिक नॉन क्रिस्टलाइन है, अमॉर्फस सॉलिड है। कॉपर क्रिस्टलाइन है, तो यकीनन फिर ग्लास बच जाता है, दैट इज स्यूडो सॉलिड्स आर इट इज़ नॉट ए ट्रू सॉलिड। एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड। यहाँ पे गौर कीजिएगा, लफ्ज मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है सब्सटेंस, तो सब्सटेंस में एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। तो इसका मतलब है अगर तो सब्सटेंस का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो इट इंक्लूड्स, इसमें एलिमेंट और कंपाउंड दोनों आते हैं। तो एक से ज़्यादा शेप किसी एलिमेंट की हो तो वो एलोट्रोपी होता है, अगर कंपाउंड की हो तो पॉलीमॉर्फिज्म होता है। तो इसमें दोनों ऑप्शन आ जाएंगे, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अगर एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑप्शन आता है तो सब्सटेंस के केस में एलिमेंट के लिए एलोट्रोपी और कंपाउंड के लिए पॉलीमॉर्फिज्म, ये दोनों ऑप्शन दुरुस्त होंगे, यानी सी ऑप्शन आपका दुरुस्त होगा। और अगर यहाँ पे ऑप्शन आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, भाई एलिमेंट अगर मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो तो फिर ऑप्शन क्या होगा? फिर आपका एलोट्रोपी होगा, जैसे कार्बन के एलोट्रोप हैं डायमंड और ग्रेफाइट वगैरह। फिर वो आपसे ये भी पूछ सकता है एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपाउंड। अब कंपाउंड के केस में एलोट्रॉपी नहीं हो सकती, कंपाउंड के केस में पॉलीमॉर्फिज्म होगा, फिर ये ऑप्शन आपका बी होगा। अगर सब्सटेंस का लफ्ज़ आए तो बोथ ए एंड बी, अगर एलिमेंट का लफ्ज़ आए तो एलोट्रॉपी वाला ऑप्शन दुरुस्त होगा, और अगर कंपाउंड का लफ्ज़ वो इस्तेमाल करता है तो फिर पॉलीमॉर्फिज्म वाला ऑप्शन आपका दुरुस्त होगा। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक क्रिस्टल लैटिस, अरे ऑफ पार्टिकल्स इन थ्री डिमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस, इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। अरे यू मीन अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस, इन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। फिर एक होता है क्रिस्टल साइट्स, क्रिस्टल साइट्स या फिर लैटिस साइट्स, लैटिस साइट्स द प्लेस या पॉइंट एट विच एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स लाई इन
3D। जिस पॉइंट पे वाकई होते हैं उनको हम लेटस साइट्स या क्रिस्टल साइट्स कहते हैं। व्हाट इज यूनिट सेल? दिस इज अ क्यूब यूनिट सेल, ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल आपके सामने है। व्हाट इज यूनिट सेल? कहते हैं द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल दैट शोज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्रिस्टल। क्या कहा? स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल दैट शोज या दैट पोजेस ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। यूनिट सेल जो है बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ थ्री साइड्स, इसमें थ्री साइड्स होती हैं एंड देयर रेस्पेक्टिव थ्री एंगल्स। थ्री साइड्स थ्री एंगल, इसका मतलब सिक्स हो गए। साइड्स कौन सी हैं? साइड्स आर ए बी सी, दिस इज योर ए। अगर आप देखो ये हमारी ए है, ये बी है और ये साइड सी है। थ्री साइड्स आर ए बी सी एंड देयर रिस्पेक्टिव एंगल्स, ए के सामने वाला अल्फा, बी के सामने वाला बीटा और सी के सामने वाला गैमा। अल्फा बीटा गैमा, ये दीज आर, आपसे पूछे हाउ मैनी कंपोनेंट्स ऑफ ए क्रिस्टल आर देयर, आप कहेंगे इट हैज सिक्स कंपोनेंट्स। इट हैज सिक्स कंपोनेंट्स, थ्री साइड्स ए बी सी एट थ्री देयर रिस्पेक्टिव एंगल्स अल्फा बीटा और गैमा। देयर आर सिक्स कंपोनेंट्स इन अ यूनिट सेल। और ये यूनिट सेल जो है इसकी एग्जांपल ऐसी ही है जैसे आप एक हाउस बना रहे हैं तो उसमें आप एक ब्रिक को एज ए यूनिट इस्तेमाल करते हो। तो दिस इज द बेसिक यूनिट दैट इज रिपीटेड टाइम एंड अगेन। इसको हम बार बार रिपीट करने के बाद कोई जो है वो आप हाउस बना सकते हैं या बिल्डिंग बनाते हैं। तो उसका बेसिक ब्लॉक है आपकी बॉडी का जो सेल है बेसिक ब्लॉक, तो उसी से है ये आपका यूनिट सेल है। इसके बाद कुछ क्रिस्टल सिस्टम है, ठीक है, उनमें हम सात क्रिस्टल सिस्टम पढ़ेंगे, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। ये सेवन क्रिस्टलाइन सिस्टम्स हैं मोस्टली हमारी तमाम क्रिस्टल को एक्सप्लेन करते हैं। इनमें होता क्या है, डिफरेंट तीनों किस्म की तीन लेंथ है ए बी सी, तीन साइड्स जो हैं और तीन उनके रिस्पेक्टिव एंगल्स हैं अल्फा बीटा और गैमा। ये वेरी करेंगे तो क्रिस्टल सिस्टम जो है वो वेरी करेगा। मसलन हमें पता है क्यूब में तमाम साइड्स ए बी सी, जैसा कि ये है ए बी सी, ये तीनों इक्वल होती हैं याद रखिएगा, और इन तमाम के आपस में जो एंगल होते हैं वो 90 होते हैं। इन क्यूबिक यूनिट, इन क्यूबिक क्रिस्टल ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर ऑफ 90। एग्जाम्पल आपकी NaCl बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी मशहूर एग्जाम्पल है। इसके बाद हम कहते हैं टेट्रागोनल, इसमें दो साइड्स इक्वल हैं, साइड ए एंड बी आर इक्वल बट सी इज नॉट इक्वल टू ए एंड बी। अल्फा बीटा एंड गामा, ये तमाम एक दूसरे पे रेक्टेंगल यानी 90 डिग्री पे हैं। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास है बेरियम सल्फेट, दैट इज द एग्जांपल ऑफ टेट्रागोनल। उसके बाद है ऑर्थोरॉम्बिक, में ए बी साइड बराबर नहीं है जबकि बी और सी जो हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है। इनमें अल्फा बीटा गामा तमाम 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल आपके पास जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट है। ट्राइगोनल में तमाम साइड्स तो इक्वल हैं लेकिन दो डिग्री 90 के एंगल हैं और एक जो है वो 90 का नहीं है। इसकी एग्जांपल NaNO3 और KNO3 हैं ट्राइगोनल की एग्जांपल्स। ये एग्जांपल आपको याद रखनी होगी आइसोमॉर्फिज्म में भी। आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है, सेम ट्राइगोनल हैं दोनों, डिफरेंट कंपाउंड बट सेम शेप, दिस इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। हेक्सागोनल, ये हम पढ़ते हैं ग्रेफाइट में, दो साइड इक्वल होती हैं, तीसरी साइड अनइक्वल होती है, दो डिग्री एंगल जो है 90 के हैं और एक
जो गैमा है वो 120 का होता है। इसकी बड़ी मशहूर एग्जांपल है आपके पास ग्रेफाइट। इसके बाद मोनोक्लिनिक में कोई साइड इक्वल नहीं है, जबकि दो एंगल 90 पे हैं और बीटा जो है मोर देन 90 होता है, 190 टू 120 के दरमियान हो रहा होता है इसमें। इसमें Na2B4O7 ब्रैक्स और सोडियम कार्बोनेट इसकी एग्जांपल्स हैं। ट्राइक्लिनिक में भी तीनों साइड अनइक्वल होती हैं और तीनों एंगल्स जो हैं अनइक्वल होते हैं। इसमें कॉपर सल्फेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट इसकी एग्जांपल है। ये सेवन क्रिस्टल सिस्टम जो हैं कॉन्स्टिट्यूट करते हैं किसी भी क्रिस्टल को हम एक्सप्लेन करने के लिए, इनमें से कोई भी हम उसको डेजिग्नेट कर लेते हैं कि कौन सा क्रिस्टल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल्स हमारे पास होगा। हम लैटिस की बात कर रहे हैं तो लैटिस ऑफ डायमंड हम डिस्कस करते हैं। अगर आप देखें डायमंड में एक कार्बन को चार कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना होता है, इसमें हिब्रिडाइजेशन आपका बेटा जो बनता है वो sp3 हिब्रिडाइजेशन होगी। और ज्योमेट्री इस केस में जो बनती है आपको पता है, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर आपस में है एक s और तीन p, तो टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी। और बॉन्ड एंगल यकीनन आपको पता है 109.5 डिग्री होता है बॉन्ड एंगल। और बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर में, और अगर एंगस्ट्रम में कहूँ मैं तो 1.54 एंगस्ट्रम बनेगा ये, ठीक है। और फेस सेंटर्ड इसकी क्यूबिक स्ट्रक्चर बनती है, ज्योमेट्री जो है फेस सेंटर्ड होगी। होगा क्या कि ये चार हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस तरह से टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें आपके पास चार ऑर्बिटल हैं, तो एक ऑर्बिट इस तरह होगा, दूसरा इस तरह होगा, तीसरा इस तरह से होगा, और फोर्थ वन जो होगा, बेसिकली हमें लगता है कि इन दो के दरमियान एंगल कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये थ्री डिमेंशन स्पेस में जब होते हैं तो ये वाला आपको एक पीछे नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो बेसिकली 109.5, 109.5, 109.5, 109.5, 109.5, इन तमाम के दरमियान सेम एंगल होता है इन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। ये तो थी लैटिस कि किस तरह से डायमंड की अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये देखें, इस कार्बन को चार कार्बन ने सराउंड किया हुआ है, और फिर हर कार्बन को आप अगर देखो तो चार कार्बन ने सराउंड किया होता है। इसके भी आप चार कार्बन पूरे कर सकते हो, इसी तरह इसके भी आप चार कार्बन लगा सकते हो इसके साथ भी। तो इस तरह एक बहुत ही नेटवर्क स्ट्रक्चर बनता है, जॉइंट मॉलिक्यूल बनता है। इसलिए कहा जाता है कि डायमंड में चूंकि चारों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए डायमंड जो होता है आपको पता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। और एक और इसके बारे में ये है कि इट इज़ इनसॉल्युबल इन ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स, इट इज़ इनसॉल्युबल इन ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स। इसकी क्या वजह है? देखें ये जॉइंट मॉलिक्यूल है, सॉल्वेंट कोई भी तब सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है जब उस सॉल्यूट की जो इंटरस्टाइक्स हैं उनको तोड़ सके, लेकिन यहाँ पे ये इतनी स्ट्रॉन्ग है और इतना नेटवर्क स्ट्रक्चर है और इसका इतना जॉइंट साइज है, इतना बिग मॉलिक्यूल है कि कोई भी ऐसा सॉल्वेंट नहीं है जो सिलिकॉन कार्बाइड और डायमंड वगैरह को अपने अंदर सॉल्युबलाइज कर इसको डिसॉल्व कर सके। डिसॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि इन तमाम कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ा जाए, लेकिन ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक बहुत बड़ी तादाद में एक नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है डायमंड के अंदर, इसलिए इसकी लैटिस को तोड़ना किसी भी सॉल्वेंट के बस का रोग नहीं है। इसलिए डायमंड नॉन कंडक्टर भी होता है क्योंकि चार इलेक्ट्रॉन थे कार्बन के पास और चारों जो हैं बॉन्ड मेकिंग में हर कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन यूज़ अप हुए हुए हैं इन बॉन्ड मेकिंग, इसलिए ये बैड कंडक्टर होता है। और इसका अगर आप मेल्टिंग पॉइंट देखा जाए तो 350 सेंटीग्रेड होता है, ये एक कोवलेंट कंपाउंड होता है। व्हाट इज लैटिस एनर्जी? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन मोल ऑफ अ सॉलिड इनटू इट्स गैसियस आयंस, ठीक है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन मोल ऑफ अ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर हो तो ज्यादा अच्छा, इनटू इट्स गैसियस आयंस इज कॉल्ड
लैटस एनर्जी। अब आपके पास NaCl एक सॉलिड है, आप इसका एक मोल 58.5 ग्राम का होगा। अगर आप तमाम के तमाम NaCl को Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव गैशियस आयन में कन्वर्ट करें सॉलिड से, तो जो एनर्जी चाहिए होगी दैट विल बी 787 किलो जाउल पर मोल। फिजिकल मीनिंग क्या है इसके कि 58.5 ग्राम NaCl को गैशियस NaCl में चेंज करने के लिए 787 किलो जोल पर मोल एनर्जी चाहिए। तो हमने कहा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। अब इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड भी हो सकती है। कब? जब गैशियस आयन आपके पास हो वो सॉलिड NaCl बना दे। ठीक है, आप अब क्या कहोगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज टू कन्वर्ट वन मोल ऑफ गैशियस आयंस इनटू सॉलिड, इनटू वन मोल ऑफ ए सॉलिड। तो अब के बार 787 किलो जाउल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। दिस इज कॉल्ड लैटस एनर्जी। अब लैटस एनर्जी किन फैक्टर पे डिपेंड करती है? लैटस एनर्जी डिपेंड करती है चार्ज ऑन आयन, आयन या कैटायन और एनायन के ऊपर क्या चार्ज है, नंबर वन फैक्टर। और दूसरा ये कि डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, आयन और कैटायन के दरमियान डिस्टेंस कितना ज़्यादा है। याद रखिएगा, अगर डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन वेरी शॉर्ट है तो फिर लैटस एनर्जी बहुत हाई होगी, और अगर डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन अगर ज़्यादा है तो लैटस एनर्जी कम होगी। इसी तरह अगर चार्ज ऑन आयन कम है तो लैटस एनर्जी कम होगी। आप देखते हैं NaCl आसानी से वाटर में हल हो जाता है जबकि MgCl2 हल नहीं होता। वजह क्या है? NaCl में चार्ज 1 है Na के ऊपर, मैग्नीशियम में चार्ज +2 है, और +2 की वजह से एक कैटायन का साइज स्मॉल हो जाता है जिसकी वजह से इसकी लैटस एनर्जी स्ट्रांग हो जाती है। चार्ज अगर ज़्यादा हो तो लैटस एनर्जी स्ट्रांग हो जाती है, इसको तोड़ना वाटर के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि लैटस एनर्जी डिपेंड करती है चार्ज ऑन एनायन और कैटायन, और दूसरा फैक्टर जो है डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अब हम इनका एक ओवरव्यू लेते हैं, इनका थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी करते हैं इन ऑर्डर टू सेव आवर टाइम। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अगर आप देखें सबसे पहले हम आयनिक सॉलिड को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम एक कंपैरेटिव स्टडी पढ़ते हैं डिफरेंट सॉलिड्स की, आयनिक सॉलिड्स। इसमें हम देखेंगे पार्टिकल किस तरह के हैं, किस तरह के पार्टिकल मिलके आयनिक सॉलिड बनाते हैं, और टाइप ऑफ बॉन्ड किस तरह की है इनके अंदर, प्रॉपर्टीज़ इनकी कैसी हैं, और कोई एग्जांपल्स हम देंगे आयनिक सॉलिड्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं आयनिक सॉलिड की। आयनिक सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स कौन से होते हैं? केटाइंस एंड एनायन से मिलकर आयनिक सॉलिड बनते हैं। और अगर आप बॉन्ड टाइप देखें तो इनके अंदर आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं। कौन से बॉन्ड्स होते हैं? आयनिक बॉन्ड्स। प्रॉपर्टीज़ आप देख लें जी, आयनिक कंपाउंड आमतौर पे हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं, पीसेस में हो जाते हैं। ठीक है, हार्ड होते हैं, इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है, और इसी तरह इनके बॉइलिंग पॉइंट भी यकीनन हाई होते हैं। ठीक है, हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। इनकी डेंसिटी अगर आप देखो तो काफ़ी हाई होती है। ठीक है, दूसरा ये नॉन कंडक्टर होते हैं, आयनिक सॉलिड जो होते हैं नॉन कंडक्टर। लेकिन कब नॉन कंडक्टर होते हैं? जब सॉलिड फॉर्म में होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये बहुत अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं ये आयंस जो हैं जब ये एक्वस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। जब ये एक्वस फॉर्म में होते हैं, वाटर में इनको डिसॉल्व करो तो बहुत अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं। इनके अंदर अगर आप देखें इनका डिफ्यूजन वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप इनकी वोलेटिलिटी देखें तो बिल्कुल भी इनके अंदर नहीं होती। आम तौर पे ये सॉलिड फॉर्म में ही पाए जाते हैं, ज़ाहिर है सॉलिड की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें एग्जांपल अगर आप देखें, NaCl है, NaBr है, MgO है, CaO है, ये सारी एग्जांपल्स हैं आयनिक सॉलिड्स की। ठीक है, और दूसरा हम देखते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स। कोवेलेंट सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं यानी जिनसे मिलकर ये बनते हैं,
वो एटम्स होते हैं। और टाइप ऑफ बॉन्ड अगर आप इनके अंदर देखो तो इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। अच्छा, अगर हम प्रॉपर्टीज़ का इनके अंदर भी जायज़ा लें तो ये हार्ड होते हैं आमतौर पे, इनके भी हाई एमपीज होते हैं और हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी हाई होते हैं, डेंसिटी इनकी भी हाई होती है लाइक दोज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, इनकी भी हाई। और ये भी ज़्यादातर जो होते हैं कोवेलेंट सॉलिड जो हैं नॉन कंडक्टर होते हैं, कभी कभार कंडक्टर भी हो सकते हैं। मसलन इसकी एग्जांपल आप ये ले लो, आपके पास फ़र्ज करो ग्रेफाइट है और दूसरा आपके पास डायमंड है। अब देखो एक ही एलिमेंट की दो एलोट्रॉप्स हैं ये। डायमंड के अंदर मैंने अभी बताया था कि चारों कार्बन एक कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड हैं, तो नो फ्री इलेक्ट्रॉन, सो डायमंड इज बैड कंडक्टर। जबकि ग्रेफाइट के अंदर तीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा कंडक्टर हो जाता है। वेरी एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। इनके भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं और इनके अंदर भी वोलेटिलिटी अगर आप देखें तो ना होने के बराबर होती है। डिफ्यूजन वगैरह इनका बिल्कुल भी नहीं हो पाता क्योंकि बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, कोवेलेंट बॉन्ड है। इसकी एक बड़ी एक्सेप्शनल केस है डायमंड जो है, इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट देखें तो 3650, ये सबसे एनी एलिमेंट ऑन अर्थ जिसका सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट है वो आपका डायमंड है, ठीक है। तो इस तरह अगर हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अगर किसी सॉलिड के अंदर देखेंगे हम तो वो कोवेलेंट सॉलिड ही होंगे। इसमें हम इसकी एग्जांपल लिख देते हैं, डायमंड है जी। फिर इसके अलावा इसके अंदर हम कहते हैं हमारी ग्रेफाइट है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कोवेलेंट सॉलिड्स। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इनके जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जो बेसिक यूनिट हैं, दे आर मॉलिक्यूल्स। इनमें किस तरह की फोर्सेस हो सकती हैं? इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। और वो कौन कौन सी हो सकती हैं? डाइपोल फोर्सेस हो सकती हैं और इसके अलावा लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी हो सकती हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर अगर आप देखो तो ये लेस हार्ड होते हैं। क्या होते हैं? एज कम्पेयर टू कोवेलेंट और आयनिक, ये लेस हार्ड होते हैं और ये थोड़े सॉफ्ट भी होते हैं। मतलब इनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो कंपैरेटिवली लेस होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट कंपैरेटिवली लो होते हैं। और इनमें एक पाई जाती है वोलेटिलिटी पाई जाती है और इसके अलावा नॉन कंडक्टर होते हैं ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। इसकी एग्जांपल में आप लिख सकते हो आइस आ सकता है आपके पास, आपका ग्लूकोज हो सकता है, आपका शुगर हो सकता है। इन सब के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं और जिसमें आप देख रहे हो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ऑलमोस्ट इन तमाम के अंदर, ठीक है। फिर हम लास्ट में देखते हैं मेटालिक सॉलिड्स, ठीक है। मेटालिक सॉलिड के अंदर क्या चीज़ें होती हैं? कुछ लोग तो कहते हैं केटाइंस होते हैं, ठीक है, और इनके अंदर जो बॉन्ड होता है दैट इज़ कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। अब अगर मेटल किस केटाइंस एंड एनाइंस, इसके बारे में डिफरेंट थीरीज हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ आपको, इलेक्ट्रॉन पूल गैस थीरी है मेटालिक सॉलिड्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन पूल गैस थीरी, ये थीरी क्या कहती है? ये थीरी कहती है कि कोई भी आपके पास मेटालिक सॉलिड है, अगर फर्ज करें ये एक चंक है, इसमें जितने भी एटम हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, वेलेंस इलेक्ट्रॉन, और केटाइन बना देते हैं। ये सब क्या बना देते हैं? केटाइन बना देते हैं। और ये तमाम केटाइंस जो हैं अपनी जगह पे फिक्स्ड हैं, जबकि इनके निकले हुए इलेक्ट्रॉन जो हैं वो गैस की तरह एक पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाते हैं जो कि फ्री टू मूव इन द होल चंक। ये गैस का ये जो मेटल का पीस है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे हैं। तमाम इलेक्ट्रॉन तमाम केटाइन को और तमाम केटाइन तमाम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, पूल गैस थीरी। इसी वजह से हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड जो है वो बहुत हार्ड होता है, ठीक है। ये एक थीरी है। और दूसरी जो है वेलेंस बॉन्ड थीरी क्या कहती है? वेलेंस बॉन्ड थीरी भी है। वेलेंस बॉन्ड थीरी ये कहती है कि बॉन्ड्स
इन मेटल आर कोवलेंट इन नेचर, आर कोवलेंट इन नेचर। इसका मतलब ये हुआ कि ये शेयरिंग से बने हैं ये बॉन्ड, ठीक है, इसलिए तो इनको कोवलेंट इन नेचर कह रहे हैं। वेलेंस बॉन्ड थ्योरी ट्रीट्स मेटालिक बॉन्ड एज कोवलेंट इन नेचर, जबकि एक है एक और थ्योरी है बैंड थ्योरी जिसको कहते हैं एम ओ टी, क्या कहती है एम ओ टी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अबाउट मेटालिक बॉन्ड, क्या कहती है अबाउट मेटालिक बॉन्ड, ये कहते हैं कि जो वेलेंस इलेक्ट्रॉन है, वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन या वेलेंस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, ये जो हैं दे आर फ्री, ठीक है, फ्री आर डी लोकलाइज्ड, ये क्या है फ्री है या फिर डी लोकलाइज्ड है पूरी मेटल चंक के ऊपर, जबकि इससे इनर शेल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हैं ये एसेंशियली लोकलाइज्ड हैं, ये अपनी जगह पे फिक्स हैं, और इस तरह ये वेलेंस ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहती है कि ये जो है लोकलाइज्ड है, और इस तरह एक बैंड ऑफ एनर्जी बनाते हैं ये बैंड जो है ये डिसाइड करते हैं कि गिवन मेटल की कंडक्टिविटी क्या होगी, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, दीज आर कॉल्ड एनर्जी बैंड्स, ठीक है जी। ये तो था एक जायज़ा था कि मेटल के अंदर कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं। हमने कहा जी इसके अंदर मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है, मुख्तलिफ थेरीज हमने डिस्कस की ब्रीफली कि अभी भी क्लैरिटी के साथ हम कुछ नहीं कह सकते। अब अगर देखा जाए तो मेटल्स जो होती हैं यकीनन हार्ड होती हैं, इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी ऑब्वियसली फिर बहुत हाई होंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, और कंडक्टर ये बहुत अच्छे होते हैं, वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ये होते हैं। और एक बात याद रखिएगा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, पॉइंट टू बी नोटेड कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इनकी कंडक्टिविटी कम होती है, जबकि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाएं तो कंडक्टिविटी बढ़ती है, यहाँ पे मेटल के केस में कंडक्टिविटी कम क्यों होती है, असल में मेटल में जो केटाइन है वो जब टेम्परेचर बढ़ाएं तो वो भी ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं, टू एंड फ्रो मूव करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों की फ्लो में प्रॉब्लम आती है। इस याद रखिएगा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस। इसके अलावा इनके अंदर एक खूबी है, मैलिएबल हैं ये, यानी आप इनको हैमरिंग करो, चाहे चादरें बना लो, चाहे कील बना लो, चाहे आप गार्डर्स बना लें, टीयर बना लें, जो मर्जी बना लें, इनकी मैलिएबिलिटी की वजह से, और डक्टाइल भी हैं ये, आप जिधर चाहते हैं इनको मोड़ सकते हैं अपनी मर्जी से, ये टूटते नहीं हैं, आप इनकी चादरें बना सकते हैं, शीट्स बना सकते हैं, कील बना सकते हैं, ये इसकी डक्टिलिटी। इसके अलावा ये लस्ट्रस होते हैं, लस्ट्रस का मतलब चमकदार होते हैं, जब लाइट पड़ती है मेटल के ऊपर तो मेटालिक सॉलिड्स चमकदार क्यों होते हैं, इंसिडेंट लाइट जब आती है, ये फ़र्ज़ करें एक मेटल पीस पड़ा हुआ है, इसके ऊपर ये लाइट है, सन लाइट आ रही है जी, इसके ऊपर पड़ी तो ये लिट अप क्यों हो जाता है, ये रोशन क्यों हो जाता है, असल में यहाँ पे मेटल का जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड होते हैं, जब वो ऑक्साइड होते हैं तो ऑब्वियसली वो डीऑक्साइड भी होंगे एनर्जी लूज करके, तो ख़ास फोटॉन कोई निकलते हैं, ठीक है, फोटॉन का मतलब ही क्या है, पैकेट ऑफ लाइट, ये फोटॉन जो हैं पहले निकलते हैं और फिर जब वापस जाते हैं तो ख़ास फोटॉन की इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन हुई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ और फिर क्या हुआ, डी एक्साइट हुआ, जब डी एक्साइट होगा तो फोटॉन ऑफ लाइट निकलेंगे, दैट इज़ वाई के मेटल जो हैं लस्ट्रस होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो कॉपर है, सोडियम मेटल है, आयरन है, जिंक है, कॉपर है, मर्करी है, सॉरी सिल्वर है, ये सारी आपके पास मेटल्स की एग्जांपल हैं। एक बात जो मैलिएबिलिटी है मेटल के अंदर, जब आप मेटल को हीट कर हैमरिंग करते हैं तो मेटल ब्रिटल क्यों नहीं होता, मेटल टूटता क्यों नहीं है, क्वेश्चन ये है कि आपने यहाँ पे हैमरिंग की तो ये आयन जो है आगे सरक जाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे मूव कर रहे हैं, केटाइन जो है केटाइन की लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लिप पास कर जाती हैं,
क्या हो जाती हैं, लेयर्स ऑफ केटाइन स्लिप पास ओवर ईच अदर विदाउट फ्रैक्चरिंग, ठीक है, विदाउट फ्रैक्चरिंग, फ्रैक्चर नहीं होता मेटल में, मैलिएबिलिटी की वजह से लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लिप पास कर जाएंगी विदाउट ब्रेकिंग, जबकि इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड्स ये फ्रैक्चर हो जाता है। कैसे, ये देखें, मैं एक मेटल बना रहा हूँ जिसमें अगर आप देख रहे हैं एनायन और केटायन, आप यहाँ पे हैमरिंग करते हैं आयनिक कंपाउंड है NaCl, ये Na जो है ये नेगेटिव चार्ज आगे मूव कर जाता है जिसकी वजह से पॉजिटिव पॉजिटिव के ऑपोजिट आ जाते हैं जिसकी वजह से फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। इस वजह से दैट इज़ वाई कि जो नॉन मेटल यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड में पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के सामने है, तो जो ही ये नेगेटिव यहाँ से हट गया तो पॉजिटिव एक दूसरे के सामने आए, दे विल रिपेल ईच अदर, फ्रैक्चर हो जाएगा। इसकी वजह से हम कहते हैं क्रिस्टलाइन कंपाउंड ब्रिटल होते हैं जबकि मेटालिक कंपाउंड ब्रिटल नहीं होते बल्कि ये मैलिएबल होते हैं, ये डक्टाइल होते हैं, जबकि ये वाले जो हैं ये फ्रैक्चर हो जाते हैं, ब्रिटल होते हैं आयनिक सॉलिड्स। अच्छा, मेटल के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में ये कहा जाता है कि मेटल में एटम्स जो हैं वो बड़े क्लोजली पैक होते हैं, स्फेरिकल बॉल समझें अगर हम एटम्स को, तो ये हमारे पास कुछ बॉल्स मैं बना रहा हूँ बिल्कुल स्फेरिकल हैं, ठीक है। कहते हैं कि मेटल्स के अंदर अरेंजमेंट बड़ी कॉम्पैक्ट होती है, लिविंग बिहाइंड वेरी स्मॉल वेकेंट स्पेसेस, ठीक है। फिर भी मेटल में कहते हैं कि 74% वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई होता है जबकि 26% वॉल्यूम जो है वो एम्प्टी रह जाता है। आपके पास अगर ये 12 बॉल हैं, आप इन बॉल्स को हिलाते हैं, बड़ी अरेंज की हुई हैं आपने, तो अब ये बॉल इस स्पेस में चली जाएंगी, ठीक है। तो बेसिकली वो कहता है अगर इसने 100% वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है तो ये सिर्फ 76% वॉल्यूम या 74% वॉल्यूम ऑक्यूपाई। वजह क्या है कि ये वाले जो गैप्स हैं यहाँ पे ये फिल अप हो चुके हैं, यहाँ पे ये गैप बहुत कम है, ठीक है। यहाँ पे हालांकि एक बॉल कम भी है लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये जब एक दूसरे के डायरेक्टली अपोजिट हैं तो ज़्यादा वॉल्यूम, लेकिन जब ये इंटरस्टाइक्स में घुस जाते हैं ये वाले मॉलिक्यूल तो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। तो कहा यह जाता है कि गैसेस के सॉलिड्स के अंदर, मेटालिक सॉलिड्स के अंदर बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं एटम्स, ठीक है। तो दो तरह की यहाँ पे हम अरेंजमेंट पढ़ते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसको हम AB या 1-2-1-2 टाइप कहते हैं। इसमें होता यह है ABA यानी वन और थर्ड लेयर सेम तरह की होती है, यानी पहली और तीसरी लेयर एक दूसरे को रिपीट करती है, एटम्स ऑफ द थर्ड लेयर एग्जैक्टली ओवर फर्स्ट लेयर या फर्स्ट लेयर के बिल्कुल लाइक होते हैं थर्ड लेयर के। दूसरी जो पैकिंग है दैट इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। इसमें ABC 1-2-3 1-2-3 अरेंजमेंट है और इसमें ये कहा जाता है ABCA यानी पहली और फोर्थ लेयर जो है वो सिमिलर होती है, या अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ लेयर यानी B और C के अलावा A जो है फिर आ रहा है, यानी पहली और फोर्थ लेयर सेम होगी, और इसमें पहली और थ्री और इसमें पहली और फोर्थ लेयर जो होंगी वो सिमिलर होंगी। इसके बाद लास्ट जो इस चैप्टर का आपका टॉपिक है, डिटर्मिनेशन ऑफ एवोगैड्रोज नंबर, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, यानी हम यहाँ पे वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं एक तरह से क्रिस्टल की स्टडी से हम एवोगैड्रोज नंबर की वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं। कहता है Na दैट इज एवोगैड्रोज नंबर कितने होते हैं, 6.022 × 10³³ एटम्स आयंस या मॉलिक्यूल किसी सब्सटेंस के अंदर रिक्वायरमेंट क्या है। कहता है किसी भी आपको गिवन जो सॉलिड है उसका मोलर मास मालूम होना चाहिए, उसकी डेंसिटी मालूम होनी चाहिए और फिर उसका मोलर वॉल्यूम भी आपके पास आना चाहिए, और उसके बाद डिस्टेंस अमंग पार्टिकल्स, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप यकीनन डिटर्मिनेशन ऑफ एवोगैड्रोस नंबर फाइंड कर सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, आप कहेंगे जी एज लेंथ ऑफ ईच क्रिस्टल सॉलिड, ऑफ क्रिस्टल सॉलिड की आप एज लेंथ मापेंगे, मेजर करेंगे, और फिर नंबर ऑफ पार्टिकल अलोंग ईच एज लेंथ, एक एज लेंथ पे कितने पार्टिकल आएंगे, और आप अगर उसका फिर क्यूब ले लेंगे तो आपके पास
उस क्यूब के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ गिवन ऑफ अ गिवन सब्सटेंस आप मेजर कर सकते हैं। अभी हम स्ट्रक्चर ऑफ NaCl को डिस्कस करते हैं। कहते हैं ईच यूनिट सेल हैज 4 NaCl, ठीक है, 4 NaCl होते हैं ईच यूनिट सेल के अंदर, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एक्सप्लेन करना, स्टूडेंट सम टाइम बड़ा प्रॉब्लम फील करते हैं इसमें। लेट्स से ये 4 रूम्स हैं, ठीक है, एक जैसे क्यूब की तरह के, और 4 रूम इसके ऊपर है, डबल स्टोरी है ये बिल्डिंग, ठीक है, और ये फर्स्ट फ्लोर का कॉर्नर है जिसमें 4 कमरे, ये रूम नंबर 1, 2, 3 और 4 है, और फिर इसके ऊपर 1 के ऊपर रूम नंबर 5 है, 2 के ऊपर 6 है, 3 के ऊपर 7 है और 4 के ऊपर रूम नंबर 8 है। ये 8 रूम्स हैं और 8 के 8 एक जैसे रूम हैं। अब अगर किसी रूम की दीवार में कोई सोने की ईंट है तो 2 कमरों का हिस्सा है, दीवार में लगी हुई है, ठीक है। अगर किसी दीवार के अंदर ईंट लगी हुई है तो वो कितने का हिस्सा होगा, 2 रूम में वो शेयर होगी। मसलन यहाँ पे अगर आप देखें, हम मेरा मतलब ये है कि फेस पे अगर लगी हुई है क्लोरीन, फेस मीन इस दीवार, राइट दीवार पे, लेफ्ट दीवार पे, फ्रंट दीवार पे, बैक दीवार पे, नीचे ग्राउंड पे या फिर रूफ पे, यानी ये 6 फेसेस हैं, ठीक है। या फिर मैं कहता हूँ कि जहाँ पे ये 8 रूम आपस में मिल रहे हैं वहाँ पे एक सोने की ईंट है, तो इसको पूरे 8 रूम आपस में शेयर करेंगे, ठीक है। मेरे कहने का मकसद ये है कि क्लोरीन मे बी एट द कॉर्नर्स, क्लोरीन मे बी एट द फेसेस। अगर यहाँ सोने की ईंट है, इसका मतलब ये है कि क्लोरीन इज एट कॉर्नर्स, ठीक है। कॉर्नर कितने होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, ठीक है जी। क्लोरीन एट कॉर्नर है और कॉर्नर कितने हैं, 8 कॉर्नर है, और हर कॉर्नर जो है आपको पता होना चाहिए, ये वाला कॉर्नर जो है इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, नीचे 4ों के साथ और 4ों ऊपर वाले कमरों के साथ, 8 के साथ ये शेयर हो रहा है। अगर मैं इसको इस तरह से 1/8 पार्ट मिलेगा इसको उस सोने की ईंट का, तो आंसर क्या आ रहा है, ये तो 1 क्लोरीन आ रहा है। इसका मतलब है किसी क्यूब के अगर 8 कॉर्नर पे में से शेयर मिल रहा है आपको सोने की ईंट का, तो वो बेसिकली 1 सोने की ईंट आपको मिल रही है। फिर इसी तरह क्लोरीन एट फेस, अगर फेस पे है तो कितने फेस हैं हमारे पास, 6 फेस हैं हमारे पास, और हर फेस जो है हाउ मैनी रूम्स में शेयर हो रहा है, 2 में, तो 6 × 1/2 हमें करना होगा। तो इसका मतलब है कि हमें कितने क्लोरीन मिले, इसका मतलब है एक क्यूब के अंदर जो फेस पे मिले लगे हुए हैं क्लोराइड्स, उनमें से हमें 3 मिले और जो कॉर्नर पे लगे हुए हैं उनमें से हमें 1 मिला। टोटल हमें कितने क्लोराइड मिले, 4 क्लोराइड मिले एक क्यूब के लिए। अब जहाँ पे मैंने क्लोराइड लिखा हुआ है वहाँ पे अब आपने सोडियम कर देना है, यहाँ पे आप कर दो जी सोडियम एट कॉर्नर्स, हाउ मैनी कॉर्नर, 8, इन हाउ मच इट इज़ शेयर्ड, हर कॉर्नर 8 फर्दर कॉर्नर के साथ या यूनिट्स के साथ शेयर हो रहा होता है, तो 1। इसी जगह फिर आप सोडियम कर दो, सोडियम आयन एट फेसेस, 6 फेसेस हैं, हर फेस 2 में शेयर हो रहा है, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 करोगे तो 4 ही NaCl आ जाएंगे। दिस इज़ हाउ आप बता सकते हो टू फाइंड के कितने फार्मूला यूनिट्स मौजूद हैं एक क्यूब के अंदर। अभी हम कुछ MCQs का जायज़ा लेते हैं, ठीक है जी, जो हमने टॉपिक अभी डिस्कस किए हैं। इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी ऑफ मेटल विद टेम्परेचर, क्यों भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है मेटल की टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होती है, इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, कांस्टेंट रहती है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो यकीनन आपकी नज़र जो जा रही है इंक्रीज पे जा रही है, हालांकि ऐसा नहीं है। जब आप मेटल को हीट करते हो तो मेटल के केटायन ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं, वो अपनी जगह से केटायन मूव तो नहीं कर रहे लेकिन टू एंड फ्रो मूवमेंट उनकी हो रही है।
तो उन ऑसिलेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन को मूव करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी कम हो जाती है। हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी ऑफ ए मेटल डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। लेकिन इसी के साथ आपको बात याद होनी चाहिए, अगर मैं यहाँ पे सेमीकंडक्टर कर दूँ मेटल की जगह, तो याद रखिएगा टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है, फिर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर मैं मेटल की जगह सेमीकंडक्टर लिख दूँ तो इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल में डीलोकलाइज्ड ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू, क्यों भाई वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं, कौन सी थ्योरी ये कह रही है? इलेक्ट्रॉन गैस या इलेक्ट्रॉन पूर गैस की थ्योरी ये कहती है? नहीं, वो तो कहती है तमाम इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, गैस के मॉलिक्यूल की तरह फ्री हैं, बिल्कुल फ्रीली पूरे चंक ऑफ मेटल पे वो मूव कर रहे हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि मेटल के अंदर कोवलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग हो रही है। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है, ये ऑप्शन दुरुस्त है, कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल बनाते हैं और वो ऑर्बिटल डीलोकलाइज्ड, यू मीन एक जगह पे वो फिक्स नहीं है बल्कि पूरे चंक पूरा टुकड़ा वो मेटल का उस पर मूव कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है हमें। अब नंबर ऑफ सोडियम आर क्लोराइड आयन एट द कॉर्नर ऑफ वन यूनिट सेल ऑफ NaCl लैटिस, अभी मैंने आपको निकाल के दिया था कि 8 कॉर्नर हैं, हर कॉर्नर 8 फर्दर यूनिट्स में शेयर हो रहा है, 8 कॉर्नर हैं और हर कॉर्नर फर्दर 8 यूनिट्स में शेयर हो रहा है। अगर आप इसको कैंसिल करो तो चाहे आप Na को कॉर्नर पे रख लो, चाहे आप Cl को कॉर्नर पे रख लो, तो आपका आंसर बच्चों 1 आएगा। उसकी वजह क्या है कि हर कॉर्नर 8 क्यूब में फर्दर शेयर हो रहा होता है। आयनिक कंपाउंड्स हैव, जी आयनिक कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दीज। तो ये आपको पता ही है आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है, स्ट्रोंगर बॉन्ड है, तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट यूजुअली हाई होते हैं। तो बीटा ऑप्शन आपका दुरुस्त होना चाहिए। लैटिस एनर्जी ऑन इंक्रीजिंग चार्ज ऑन केटायन इज वाइल कीपिंग एनायन सेम, कहता है एनायन आपका सेम है, मतलब पहले आपके पास NaCl था तो Cl सेम रखो, अब के बार कर दो मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी केटायन के ऊपर चार्ज हमने बढ़ा दिया तो लैटिस एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा? आपको पता होना चाहिए कि जब केटायन के ऊपर चार्ज बढ़ेगा केटायन का साइज स्मॉल होगा, जब केटायनिक साइज स्मॉल होता है तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए इंक्रीजेस। देखें यहाँ पे मैंने एक बात बताई, एनायन हमने सेम रखा हुआ है। सेलेक्ट द मिसमैच, NaCl क्यूबिक होता है क्या? ग्रेफाइट क्यूबिक होता है, मैग्नीशियम डाइक्रोमेट ट्राइक्लिनिक होता है, NaNO3 ट्राइगोनल होता है, इनमें से कौन सा है जो मिसमैच कर रहा है आपके ख्याल में? तो यकीनन ग्रेफाइट जो है वो हेक्सागोनल होना चाहिए, क्यूबिक नहीं होना चाहिए, तो ये वाले हमारी मिसमैच स्टेटमेंट है। इसी तरह अगर यहाँ से वो पूछता है, ये इस वाले MCQs पे आए आप दोबारा, तो मैं यहाँ पे कोई ऑप्शन चेंज कर देता हूँ। आप देखो नंबर ऑफ सोडियम आर क्लोराइड आयन एट द कॉर्नर की बजाय मैंने कर दिया फेस, ठीक है, हर यूनिट के अंदर कितने फेस होते हैं? 6, और हर फेस कितने में शेयर हो रहा होता है? मैंने कहा था एक सोने की ईंट जो दीवार में होगी वो दो रूम में शेयर होगी, और जो कॉर्नर में होगी चार कमरों का एक जो शेयर्ड कॉर्नर होगा वो चार नीचे और चार ऊपर 8 में, तो जो फेस होता है वो बेसिकली 2 में शेयर हो रहा है, तो आंसर क्या आना चाहिए आपका? 1/2 × 6, तो आंसर क्या आएगा? 3। तो अब के बार ये देखिए नंबर ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन एट द फेस ऑफ वन यूनिट सेल ऑफ NaCl लैटिस इज 3, और अगर कॉर्नर की बात हो तो इसका आपका आंसर बनता था 1, और अगर फेस की बात हो तो आंसर 3। आप दो एक दफ़ा क्लोराइड को कॉर्नर पे रख के देखो, फिर क्लोराइड को आप फेस पे रख के देखो, तो 3+1=4 आंसर आएगा क्लोराइड के लिए। इसी तरह सोडियम को कॉर्नर पे रख के देखो और फेस पे रख के देखो, तो आंसर अगेन 3+1=4 आएगा। दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स इन अ यूनिट सेल।